तो गाइज आज हम अपना जो ब्लॉग है ना शाम को स्टार्ट कर रहे हैं। आज है एकादशी, देव उठनी एकादशी है आज, तो हमने सोचा शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज मेरा व्रत है तो हमने सुबह से तो ब्लॉग बनाया नहीं, तो हमने सोचा अब हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के दिन हमारे यहाँ उत्तराखंड में इगास मनाई जाती है और उस उपलक्ष्य में हम लोग 11 दिए जलाते हैं। तो अभी मैं इन दियो को जलाऊंगी और उसके बाद हम इनको अपनी डेली पे रखेंगे और कुछ बाहर और कुछ अंदर ऐसे रखते हैं इनको, कुछ घर के बाहर कुछ अंदर। गुड शोर मत करो, बच्चे ना मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ये उसी टाइम बोलती है जैसे मैं बोलती हूँ, दूसरे वाले भी बोलने लग गई। ए भगवान। गाइस आज ना तुलसी पूजन भी है, तुलसी विवाह समारोह होता है आज, तो यहाँ पे हमने अपनी तुलसी माता को बिठाया है, तो अभी हम तुलसी माँ की भी पूजा करेंगे। तो चलिए गाइस पहले दिए जलाते हैं, बाहर दिया लगा लेते हैं, उसके बाद हम तुलसी माता की पूजा करेंगे। और आज हम मखाने की खीर बनाएंगे भगवान जी को भोग लगाने के लिए तुलसी मैया को। तो चलो चलते हैं पहले दिए जला लेते हैं। हैप्पी इगास गाइस, आप सबको इगास की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस 11 दिए हमारे जल चुके हैं और अब हम जाएंगे इनको बाहर लगाने के लिए। तो चलो हम दिए लगा के आते हैं पहले। तो गाइस अब है खीर बनाने की बारी, तो ये है हमारे मखाने, तो अब हम बनाएंगे मखाने की खीर और लड्डू को भोग लगाएंगे और तुलसी माता को। तो चलो पहले हम इनको घी में फ्राई कर लेते हैं। तो गाइस इसमें मैंने डाल दिया है खूब सारा घी और अब ये गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे मखाने। ये देखो सारे एक साथ डाल देते हैं। तो गाइस मैंने ना ये मखाने क्रश कर दिए हैं कुछ कुछ और थोड़े थोड़े वैसे ही रखे हुए हैं ऐसे, और यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है, तो अब मैं सारे मखाने इस दूध में डाल रही हूँ। ये आधा लीटर दूध है, देखते हैं अगर कम होगा तो और डालना पड़ेगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है ना अभी। तो डालेंगे और उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे, पहले इसको थोड़ा पकने देंगे ऐसी, उसके बाद लास्ट में चीनी डालेंगे, इसमें मखाने भीग जाएंगे ना अच्छे से पूरे, फिर डालेंगे चीनी। तो गाइस मैं ना पहली बार बना रही हूँ मखाने की खीर, तो देखते हैं कैसे बनती है। मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाई। तो गाइस तैयार हो गई हमारी मखाने की खीर और कुछ ऐसे बनी हुई है, इसमें मैंने चीनी भी डाल दी है। और अब यहाँ पे हैं पिस्ता और काजू बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट्स हैं, तो इन सबको हम इसमें डाल देंगे। गाइज ये मखाने की खीर ना मैंने पहली बार ही बनाई है, तो पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं, उसके बाद टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसे बनी है। तो गाइज अब ये बताएंगे टेस्ट करके कैसा बना है मेरे मखाने की खीर। ऐसा बना है। अच्छा कैसे, नहीं नहीं रुको। तो गाइज अब ये बताएंगे कि कैसी बनी है मखाने की खीर, जरा टेस्ट करके बताना हमें। ओके ओके
मुंह मत जला लेना, गरम है। अच्छी बनी है, सच बताओ ना। अच्छी बनी है। कैसे बनी है? एक बार वैसे में, एक बार ऐसे में। मस्त बनी है। अच्छी बनी ना सच में। गाइस आप लोग भी ट्राई करना ऐसा बनाने की, है जैसे मैडम ने बताया है। मैडम ने, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने तो बना दिया बस। मैंने भी खुद यूट्यूब पे देख के बनाई। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है गाइस, है ना। और गुड्डू को भी देना जरा। गुड्डू तुम भी टेस्ट करो। गुड्डू गुड्डू के लिए लाऊं? ये नहीं खाती है, ये लड़की नहीं खाती एक्स्ट्रा चीजें, टेस्ट भी नहीं करती है। और पूरा बेड फैला रखा है, होमवर्क नहीं कर रही है, देख टीवी रही है और सारी बुक्स फैला रखी है, ऐसा है मेरा बच्चा। तो चलो गाइस मैं भी खाती हूँ। तो गाइस आज मेरा ना व्रत है एकादशी का, तो मैं यही खाऊंगी और कल सुबह मैं फिर व्रत का पारण करूंगी। अभी मुझे यही खीर खानी है बस, तो खाती हूँ और देखती हूँ कैसे बनाई है मैंने। अच्छी हो रही है गाइस, आप भी ट्राई करना, जरूर बनाना एक बार।